नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम अपराधी परीक्षा अधिनियम 1958 के अंतिम चैप्टर को देखेंगे, सेक्शन 16 से लेकर के 19 तक का अध्ययन करेंगे। इस अधिनियम में धारा 16 में यह प्रावधान किया गया है कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त होगा, यानी किसी भी व्यक्ति ने गुड फेथ में यानी सद्भावना पूर्वक कोई कार्रवाई की है तो उसको प्रोटेक्शन प्राप्त होगा, चाहे राज्य सरकार हो या परीक्षा अधिकारी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो जिन्होंने इस अधिनियम के नियमों का अनुसरण करते हुए या इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत सद्भावना पूर्वक कार्रवाई की है तो उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन्हें संरक्षण प्राप्त होगा। एक केस आया था हरभजन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1966, हरभजन सिंह वर्सेज पंजाब राज्य 1966 सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि कार्रवाई सद्भावनापूर्वक की गई थी या नहीं, ये उस मामले के तथ्य और परिस्थितियों का प्रश्न है, यानी उस मामले के फैक्ट क्या थे, उस मामले की सर्कमस्टांसेस क्या थी, उस पर निर्भर करेगा कि अमुक व्यक्ति ने, चाहे वो राज्य सरकार हो या परीक्षा अधिकारी हो, अन्य व्यक्ति ने सद्भावनापूर्वक कार्य किया या नहीं, ये उस मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो धारा 16 में सद्भावनापूर्वक कोई कार्रवाई की गई है उनको संरक्षण प्रदान किया गया है, प्राय ऐसा सब अधिनियम में प्रावधान होता है। अब देखते हैं सेक्शन 17 धारा 17, रूल मेकिंग पावर, नियम बनाने की शक्ति। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो इस अधिनियम तहत नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है, स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त है। राज्य सरकार केंद्र से अनुमोदन प्राप्त करके और नियम बना सकती है, रूल मेकिंग की पावर स्टेट गवर्नमेंट को है, जबकि एक्ट किसने पारित किया, केंद्र सरकार ने, लेकिन नियम बनाने की पावर राज्य सरकार को है। क्या नियम बना सकती है कि परीक्षा अधिकारी की नियुक्ति क्या होगी, परीक्षा अधिकारी किन शर्तों के तहत नियुक्त होगा, उन पर क्या कर्तव्य होंगे, उनके निर्बंधन क्या होंगे, उनको क्या पारिश्रमिक खर्चा या मेहनताना दिया जाएगा, क्या कोई सोसाइटी के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है तो उसको क्या पारिश्रमिक या दिए जाएंगे, वो किस व्यक्तियों पर निगरानी करेगा, किस फॉर्मेट में न्यायालय में रिपोर्ट दी जाएगी आदि, रूल मेकिंग की पावर स्टेट गवर्नमेंट को प्राप्त है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये नियम बनाए जाते हैं तो विधानसभा के सदन के पटल पर रखे जाएंगे और वहाँ इन नियमों का अनुमोदन होकर के पारित किया जाएगा। तो धारा 17 में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है। अब आते हैं इंपोर्टेंट सेक्शन 18, धारा 18। सेक्शन 18 में है शेविंग क्लोज, व्यावर्ती खंड। व्यावर्ती खंड का मतलब होता है कि कुछ विधियों को बचाना, यानी यह अधिनियम किन विधियों पर लागू नहीं होता है। धारा 18 सामान्य शब्दों में यह प्रावधान करती है कि परीक्षा अधिनियम 1958 किन विधियों पर लागू नहीं होता है। सबसे पहला आता है सुधार विद्यालय अधिनियम 1887, द रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1887, यानी इस एक्ट के तहत ऐसे कुछ जो नाइल होते हैं, जो कुछ बाल अपराधी या बालक होते हैं उनमें सुधार किया जाता है, वहां पर उस एक्ट के तहत कोई कार्रवाई होती है तो यह अधिनियम लागू नहीं होता है। दूसरा होता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, यानी इस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कोई अभियुक्त है, एक्यूज है, उनको 4PO 3PO का लाभ देकर के नहीं छोड़ा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति 100 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है और वो कहता है कि इस अधिनियम के 4PO का लाभ देकर के छोड़ दो, मैंने तो प्रथम बार अपराध किया है, तो एंटी करप्शन वाले जितने भी मामले हैं उसमें परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता। फिर आता है जुनाइल जस्टिस वाले, कोई किशोर अपराधी है या किशोर अपराधियों को जो बोस्टल स्कूल में रखा जाता है उससे संबंधित कोई विधि है, वहां भी परीक्षा अधिनियम लागू नहीं होता है। या 2015 का किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, जुनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में जो नया एक्ट आया है उसकी धारा 20 के तहत भी ये अधिनियम लागू नहीं होता है। यानी ऐसा कोई एक्यूज है जिन्होंने इस एक्ट के तहत अपराध किया है, चाहे उन्होंने प्रथम बार अपराध किया है, उन्हें परीक्षा का लाभ देकर के नहीं छोड़ा जा सकता है। NDPS एक्ट 1985, स्वापक औषधि और
मने प्रभावी अधिनियम 1985 की धारा 53 के तहत जो एक्यूज होते हैं उनमें भी ये परिवीक्षा अधिनियम लागू नहीं होता है, यानी इन विधियों पर इस एक्ट के तहत परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जा सकता है। और इसका अंतिम सेक्शन आता है धारा 19, जिस प्रकार इस एक्ट की धारा 3 में एडमोनिशन बरसना पर किन व्यक्तियों को छोड़ सकते हैं वो प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार धारा 4 में प्रोबेशन पर परिवीक्षा पर किन व्यक्तियों को छोड़ सकते हैं प्रावधान किया गया है, ठीक उसी प्रकार के प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 में, सीआरपीसी की धारा 360 में भी किए गए हैं। तो इस अधिनियम की धारा 19 कहती है कि जहाँ पर ये स्पेशल अधिनियम लागू हो गया है वहाँ पर सीआरपीसी की धारा 360 लागू नहीं होगी, यानी ये अधिनियम लागू होगा, सीआरपीसी का सेक्शन 360 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स टोटल 10 वीडियो इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के धारा 19 तक प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के 10 वीडियो अपलोड किए हैं, इनको आप देखना, और ये आपके एलएलबी के साथ साथ जुडिशियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उपयोगी सिद्ध होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं और कौन से छोटे या बड़े क्वेश्चन बनते हैं। धन्यवाद।